अस्सलामुअलैकुम। सो गाइज, ये वीडियो चूज़ों के ऊपर बनाई जा रही है कि चूज़ों की ग्रोथ आपने जल्द से जल्द किस तरह से करनी है और इवन के चूज़े आपके जल्द से जल्द बड़े किस तरह से होंगे, तो इसके ऊपर वीडियो मुकम्मल फुल गाइडनेस के साथ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो हाई गाइज, दिस इज़ वसीम, सो लेट्स गो टू वसीम वा भी लेटेस्ट वीडियो। सो गाइज, जैसे ही आपकी मुर्गी अंडों से चूज़े को निकालती है तो उनको आपने 24 घंटे भूखा रखना है, मतलब उनकी डवर्मिंग करने के लिए। ठीक, 24 घंटे भूखा रखने के बाद सबसे पहले आपने उनको मीठा पानी पिलाना है। मीठा पानी गुड़ वाला मीठा पानी हो सकता है या फिर चीनी वाला भी हो सकता है। तो ये पियेंगे, उनके जो मेदे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, उनके अंदर जो कीड़े मकोड़े या फिर जो कुछ भी होगा ना वो साफ़ हो जाएगा, वो उनका निकल जाएगा सारे का सारा। आप अगर गुड़ का पानी देते हैं, गुड़ वाला पानी देंगे तो सबसे बेटर है, ठीक है, पुराना गुड़ हो, जिसको काला गुड़ कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनको दलिया देना है, जो गंदम वाला दलिया होता है। दलिया देने के बाद उनको जीरो नंबर फीड देनी है। जीरो नंबर फीड ही आपने उनको देते जाना है, मतलब कि जब छोटे होते हैं जीरो नंबर फीड ही खाएंगे, या फिर दलिया वगैरह या फिर बाजरा हो गया, इस तरह की कोई छोटी छोटी सी दाने वाली चीज़ होगी या फिर नरम गज़ा होगी, जो चीज़ों को आपने इस तरह से खिलानी है, ठीक है। तो डेली बेसिक पे आपने इनकी खुराक को तब्दील करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने दी जीरो नंबर फीड और कल को भी या फिर दोपहर को शाम को जीरो नंबर फीड ही देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। उनकी खुराक चेंज करते रहना है, मतलब आज आपने जीरो नंबर फीड दी है, कल को आपने उसको गंदम का दलिया देना है और परसों को आपने सर जो है होता है बाजरा वो देना है। उसके बाद कोई भी वेजिटेबल हो गया या फिर कुछ भी जो आसानी से खा सकें चूज़े, ठीक है। तो ये जो फीड है, फीड आपने एक महीना देनी है जीरो नंबर फीड जो होती है। तो कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि फीड से चूज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, बेफिक्र होकर आप फीड यूज़ करें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं होगा। और एक महीना आप यूज़ करेंगे जीरो नंबर फीड को, और उसके बाद आपने उसके अंदर दाना मिक्स करना शुरू कर देना है, मतलब कि जो बड़ा मिक्स दाना होता है वो वाला दाना ऐड करना शुरू कर देना है कि आहिस्ता आहिस्ता से। और ये मिक्स दाना जो होता है ना, इसको फीड को भी मिक्स दाना जो होता है इसको अलग से ना गीला कर लेना है, मतलब फीड में मिक्स करना है दाना, मिक्स करके इसको छीटे लगाने हैं, ठीक है, गीला करके वो अपने बर्ड्स को खिलाना है। तो इससे जो दाना है ना वो नरम हो जाता है और फूल जाता है, और बर्ड्स को हज़म करना भी आसान रहता है, और बर्ड्स की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, मुफीद होता है। तो उसके साथ ही आप ये भी करें कि खुराक आपने डेली चेंज करनी है ना, तो उसके लिए साथ में आप एक जो खुशक रोटी होती है घर में बच जाती है अक्सर अवकात, तो उस खुशक रोटी को आप शाम को भिगो कर रखेंगे, तो सुबह तक वो ऐसे नरम हो जाएगी कि चूज़े जो आपके बर्ड्स होंगे वो आसानी के साथ खा सकते हैं, ठीक है। तो जो खुशक रोटी होती है ये भी आप चूज़ों को बाकायदगी से खिलाया करें, और खुराक को चेंज लाजमी से किया करें। एक दिन में आपने ये दिया, अगले दिन में वो दे दें, कुछ दे दें कुछ दे दें, इस तरह से आपने डेली बेसिक पे इसको चेंज करते रहना है। अगर एक ही खुराक आप देते रहेंगे ना अपने बर्ड्स को, तो फॉर एग्जांपल आप दलिया दे रहे हैं, दलिया खिला रहे हैं उनको, डेली आप दलिया खिला रहे हैं, तो ऐसे में हो जाता है कि बर्ड्स आपके खाना छोड़ जाते हैं या फिर दाना पानी कम कर देते हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दाने पानी में उनका इतना दिलचस्पी नहीं रहती, तो फिर वो कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं, और एक ही खुराक वो डेली बेस पे नहीं खा सकते, वो मतलब कि उनका दिल भर जाता है एक ही खुराक से, जैसे कि इंसान का भी भर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेली खुराक को चेंज ज़रूर करना है। तो ये खुराकें आप डेली चेंज करेंगे, मतलब कि बॉयल्ड राइस हो गए, उबले हुए चावल हो गए, और गंदम हो गई, गंदम जैसे कि खुशक रोटी होगी, खुशक रोटी को भिगो के जैसे मैंने आपको पहले बताया, और जो एक नॉर्मल रोटी होती है जो कि हम खाते हैं, उसी को आप थोड़ा सा लेके उसको बारीक बारीक से बोरे उसके बना के उसके मुर्गे के आगे या फिर बर्ड्स के आगे डालें, तो वो भी बड़े शौक के साथ खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप खुराकें चेंज करते जाएं, बस खुराकें आपको जितनी चाहिए मैं बताता जाऊँगा, अगर कमेंट्स में भी पॉसिबल हुआ तो मैं कोई याद आ गई तो मैं कमेंट्स में भी बता दूँगा। खुराकें बहुत ज़्यादा आप देने वाले बने मुर्गों को और उनकी सेहत को बढ़ाने वाले बने, और अगर आप डेली खुराक को चेंज करते हैं ना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके जो बर्ड्स हैं वो ग्रोथ पकड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि पालक जो है उसको भी बारीक बारीक सा क्रश करके अपने बर्ड्स को डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ आप किचन वेस्ट जो होता है, जो किचन से सब्जियां बच जाती हैं, सामान कुछ बच जाता है, वो भी आप अपने बर्ड्स के आगे डाल सकते हैं, वो भी बहुत शौक से खाते हैं। तो वैक्सीन की जो बारी है, वैक्सीन आपने 3 माह के पहले नहीं करनी, 3 माह के बाद ही करनी है। तो अगर आपके बर्ड्स को पहले से कोई बीमारी नहीं है, आपके केज बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं आती आपके बर्ड्स को, तो आप, मेरा तो कहना यह कि आप वैक्सीन ना करें। अगर जो आप करते भी हैं तो 3 माह से पहले वैक्सीन आप ना करें, ठीक है, 3 माह के बाद ही वैक्सीन करें। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लाजमी करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।